हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स the amount of solute dissolve in a solvent. What is the amount of solute dissolve in a solution? कितना solute solution में डिजॉल्व है? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन वी कैन कॉल द सॉल्यूशन एज डायल्यूट कंसंट्रेटेड आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डायल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म, मीन्स कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, There are many ways for expressing concentration of a solution. The simplest method of expressing concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount, mass or volume of solution. Means amount of solute and amount of solution. In this way, concentration amount of solute divided by the amount of solution. It may also be expressed as the amount of solute dissolved in a गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग मास आर वॉल्यूम। हम उस सॉल्यूट का मास लेंगे, सॉल्यूशन का मास लेंगे, या सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, या सॉल्यूट का मास एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आगे देखते हैं जरा। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन अ मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मीन्स इन अ हंड्रेड। द सिंपलेस्ट वे of expressing concentration of solution is mass percentage of solution. It gives mass of solute per 100 mass unit of solution. This may be expressed as mass of solute equal to mass of solute divided by the mass of solution into 100. यानी कितना सॉल्यूट का मास है डिवाइड बाई द मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस द मास ऑफ सॉल्वेंट इन 25 ग्राम। सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना होगा? द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस द mass of solvent. If 25 gram of sucrose is dissolved in a 200 gram of solution, then कैसे निकालेंगे बेटा? 25 gram क्या है आपका sucrose and 200 gram solution into 100 equal to 12.5%। क्या मीन्स निकला? 12.5 ग्राम सुक्रोज डिजोल्व इन 100 पर 100 मास यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 मास यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में सुक्रोज कितना है? 12.5। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यह लिख दिया फिर से,
चलिए यहाँ लिख दे रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम किसका होता है? लिक्विड का होता है। मास किसका लेते हैं? सॉलिड का लेते हैं। वेट सॉलिड का। लिक्विड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट भी आपका लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। देन कंसंट्रेशन में आल्सो बी एक्सप्रेस एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आर परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन अ 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी किसमें लगे बेटा? इन ml डिवाइड बाय द 100, वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। If 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट इन अ 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 55 ग्राम सॉल्ट को 550 ग्राम सॉल्यूशन में आपने देखा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूट 55 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम, देन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम इनटू 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में 10 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 10%। इट मींस 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन अ 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास टू मास परसेंटेज। अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml of ethyl alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of solution. तो volume of solution कितना होगा बेटा? Volume of solution. Volume of ethyl alcohol is a 50 ml plus mixed with 150 ml of water. 150 ml हो गया. Total is a 200 ml हो गया। चलिए ये कर दिया। वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज क्या निकालना है यहाँ पर? वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट? तो आप कहेंगे सर 50। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? तो आप कहेंगे 200 इनटू 100, कितना आएगा? 2 आएगा। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 25%। इट मींस 25 ml इथाइल एल्कोहल इन अ 100 ml सॉल्यूशन। ml टू ml ना, 25 ml इथाइल एल्कोहल इन अ 100 ml solution. Calculate the mass by volume percentage of 20% solution of mass of sulfuric acid. यानी एक solution है, उसमें 20% mass के according कौन है? Sulfuric acid है। तो 20 gram sulfuric acid इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मीन से निकला। कैलकुलेट द मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज, हमें क्या निकालना है? मास टू वॉल्यूम परसेंटेज इफ 20% सॉल्यूशन गिवन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, निकालते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमें क्या क्या दिया गया है? 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया गया? डेंसिटी दी गई है। तो मास टू वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी।
मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। डेंसिटी कितना है? 1.1 ग्राम पर एमएल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90.90 एमएल। देन मास टू वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का आपने मास ले लिया और वॉल्यूम किसका लिया? सॉल्यूशन का लिया। कितना आंसर आएगा देखते हैं। इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 90.90 इंटू 100 हो गया। तो कितना आंसर आ जाएगा? डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? डिवाइड बाय द 90.90 इक्वल टू 22%। कौन सा होगा? मास टू वॉल्यूम 22 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। तो ये क्या निकला है बेटा आपका? मास टू वॉल्यूम। कैसे निकाला? मास टू वॉल्यूम परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए क्वेश्चन कोड देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर 5% बाय मास, हाउ मच सुगर इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसका, कैसे सॉल्व किया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 5% ऑफ मास, मास ऑफ सॉल्यूशन 250, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 5% थी। तो हाउ मच सुगर प्रेजेंट इन 250 ग्राम। तो यहां पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा, सुगर इन अ वाटर, चलिए यानी मास टू वॉल्यूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको समझ में आ रहा होगा 5 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 होगा, इनटू 100 हो गया, ठीक है ना। तो मास ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है? 5 है। अब मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कितने में निकालना है? 250 ग्राम में निकालना है, 200 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लाइन को छोटा कर लें, लाइन को थोड़ा सा थिन कर लिया। चलिए क्या पूछा गया है, आपका सॉल्यूशन कितना है? 5% है। किसके अकॉर्डिंग? मास टू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 5% हो गया। अब हमें क्या निकालना है? मास टू मास निकालना है ना, तो 5% दिया गया है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है किस में? 250 ग्राम में इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 250 डिवाइड बाय द 100 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। कितना आ जाएगा आंसर? इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ गया? 12.5। आपसे कहा क्या गया था? अ सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर 5%, यानी 5 ग्राम सुगर डिसॉल्व इन 100 ml वाटर, देन मास टू वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 5, तो 5 हो गया। फिर क्या पूछा गया? हाउ मच सुगर इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम सॉल्यूशन, तो 250 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा
तो मास टू मास हो जाएगा, है ना। तो कैसे निकाल लिया आपने, इसको थोड़ा सा 250 ग्राम के स्थान पे हम इसको ml कर दे रहे हैं ना, तो और क्लियर हो जाएगा, 250 ml हो गया। चलिए इसको ml कर दे रहे हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम वो भी क्लियर हो जाएगी, है ना। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो 250 ml कर दिए, ठीक है। तो कितना निकल आएगा, 12.5 ग्राम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आज सॉल्यूशन कंटेंट 25 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या है, आज सॉल्यूशन कंटेंट 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम वाटर, सॉल्यूशन नहीं है तो कितना हो जाएगा, मास टू मास परसेंटेज आएगा ना, क्यों आएगा, सब ग्राम में, कितना है 25 ग्राम, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 25 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 125 ग्राम हो जाएगा, इनटू तो कितना हो जाएगा ये 2500 हो गया, डिवाइड किससे करते हैं, 125 से करते हैं, कितना आंसर आ गया 20 परसेंटेज, मास टू मास परसेंटेज हो गया। तो आपने क्या देखा, पहला है परसेंटेज मास टू मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड क्या था बेटा, मास टू वॉल्यूम, है ना, क्योंकि सॉलिड को क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम तो वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर वो लिख दे रहे कौन सा परसेंटेज, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनटू कितना हो जाएगा, 100 100 हो गया, है ना। तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।